नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है वह है कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है, और जो न्यायपालिका है वह उन कानूनों की व्याख्या करती है, और अगर कोई व्यक्ति उस कानून का पालन नहीं करता तो उसे दंड देने का कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका है ये सर्वाधिक सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, ये जनता का दर्पण है, और विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इंग्लैंड में और भारत में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट या संसद के नाम से जाना जाता है, जापान में इसे डायट कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, चाइना में या चीन में इसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है कानून का निर्माण करना। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के कार्य या शक्तियाँ। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो इसका कार्य है वह है विधायी कार्य, अर्थात इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है कानून का निर्माण करना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विधेयक है वो सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ उन पर विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, और उसके बाद उनमें जरूरत पड़ने पर संशोधन भी होता है, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर होने, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पे उस विधेयक है वो कानून का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो है वित्तीय कार्य। जो व्यवस्थापिका है ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती है, नियमन करती है, जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत होता है, और वहाँ पर इस पर वाद विवाद होता है, उसके बाद वो पारित होता है, और उसमें जो व्यवस्थापिका के द्वारा ही उसको पारित किया जाता है, और उस बजट में जो नए कर लगते हैं या जो पुराने करों में संशोधन होता है या उन्हें हटाया जाता है, तो इस सब के लिए व्यवस्थापिका की मंजूरी अत्यंत आवश्यक होती है। और ये देखा जाता है कि बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के या संसद की अनुमति के सरकार कोई भी नया कर नहीं लगा सकती। तो इस प्रकार जो ये बजट पर नियंत्रण है या अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण का वित्तीय कार्य है, ये व्यवस्थापिका का एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। तीसरा जो इसका है वो है कि ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका विशेष तौर पे जो संसदीय शासन व्यवस्था जिन देशों में पाई जाती है, जैसे भारत है, इंग्लैंड है, वहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखती है, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर कार्यपालिका अपना कार्य ढंग से ना करे तो व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। इसके अलावा वे निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, बजट के समय बहस और ऐसे अनेक उसके पास उपाय हैं व्यवस्थापिका के पास, जिसके आधार पर वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पर जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, लेकिन फिर भी व्यवस्थापिका के पास अनेक ऐसे उपाय होते हैं जिनके द्वारा वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जैसे जो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पे जो सीनेट है उसके पास ये महत्वपूर्ण शक्ति है कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियाँ की जाती है उनके लिए सीनेट का के अनुमति अत्यंत आवश्यक है, और उसके अलावा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी जो व्यवस्थापिका है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।
नेक्स्ट है न्यायिक कार्य। वैसे तो न्यायिक कार्य न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्थापिका को भी कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य प्रदान किए गए हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई में सीनेट एक न्यायालय की तरह उसकी जांच करती है और सुनवाई करती है। इसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें संसद न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में भी जो ब्रिटेन का सदन है लॉर्ड सभा, वह सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कई वर्ष तक कार्य करता रहा। और इसी प्रकार जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे भी जो राष्ट्रीय सभा है उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका को कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कार्य भी प्रदान किए गए हैं। जैसे इजराइल है और भारत है, वहाँ जो अमेरिका का सॉरी जो भारत है और इजराइल में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह संसद द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका को कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी दिए गए हैं। लास्ट है संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। एक अन्य महत्वपूर्ण जो शक्ति है व्यवस्थापिका के पास है कि उसे संविधान में संशोधन का अधिकार भी दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका है उसके पास अनेक महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां हैं। धन्यवाद।